ओके गाइज, अगर आप लोग एड्स टेरा से डेली $43 की अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। आजकल आप लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं कि आप लोग कुछ पासवर्ड्स को यूज़ करते हुए एड्स टेरा से अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको आज गाइड करूँगा कि आप लोग किस तरह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म फाइंड कर सकते हैं जिस पर आप अपने एड्स टेरा के जो लिंक्स हैं वो वहाँ पर शेयर करके अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका ये अकाउंट होना चाहिए एड्स टेरा का। आपने एड्स टेरा के मेन पेज पे आने के बाद साइनअप के ऊपर करने क्लिक, और यहाँ पे आपने पब्लिशर में जाके अपना जो अकाउंट है वो साइनअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने लॉगिन पेज पे आने, और यहाँ पे आपने अपना ईमेल पासवर्ड दे देना है, और आपने यहाँ पे जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें कि मैं एक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, आपने भी यहाँ पे अपना एक अकाउंट लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने अब ब्लॉगर पे भी जाना होता है, ठीक है, और उससे पहले कुछ वेबसाइट्स हैं उन पर भी जाना होता है। मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर गाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप ब्लॉगर पर आ जाते हैं। ब्लॉगर पर आपने आ जाना है, यहाँ पर आपने एक न्यू जो है वो बना लेना है, ब्लॉग बना लेना है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अर्न क्रिप्टो या कोई भी, अगर आप एक टाइटल या कुछ भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपने वो कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखें कि डोमेन भी फाइंड करनी होती है आपको, ठीक है। जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पे तकरीबन मिल जाएगी, तो आपने यहाँ पे सेव कर देना होता है और ये आपको डोमेन भी मिल गई। अब आपने वेबसाइट्स पर जाना होता है और वहाँ पे आपने एड्स जो है वो रन करने होते हैं। उससे पहले आपने एक पोस्ट भी बनाना होता है, ठीक है। पोस्ट आप इजीली जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी पे आप आएँ और यहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट साइनअप करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आप देखें कि मैं अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर रहा हूँ। सिंपल है कि ये देखिए, गूगल के थ्रू मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे हो जाएगा लॉगिन। अगर आप साइनअप करेंगे तो ये आपसे पहले एक नंबर वगैरह पे वेरिफिकेशन जो कोड है वो मांगते हैं, ठीक है। अब अपने इसे बोल देना है राइट ए आर्टिकल अबाउट क्रिप्टो या कुछ भी आप इसे देते हैं, जिस टाइप का भी आपको आर्टिकल राइट करने हैं, कुछ भी आप इसे देते हैं तो ये आपको एक आर्टिकल राइट करके देता है। जैसे कि आप देखें कि ये एक आर्टिकल हमें राइट करके दे रहा है, और ये एक आपने परफेक्ट सा जो आर्टिकल है वो बना लेने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप नहीं भी बनाते मसला नहीं है, बट ये कि थोड़ा प्रोफेशनल लुक में अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपको ये करना पड़ता है। टाइटल में आप आएंगे, टाइटल आपने ये दे देने, और यहाँ पे आपने एचटीएमएल व्यू में आ जाना है। ये एचटीएमएल में नहीं, कंपोज व्यू में, और यहाँ पे अगर आप मेन अगेन टाइटल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। मेजर हेडिंग या कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। कलर कोई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बाद में आपने यहाँ पे अदर जो आपको डाटा मिलता है वो आपने देना है। जैसे कि ये देखिए अदर डाटा है, जो कि आपने यहाँ से कुछ इस तरह से कॉपी करना है, यहाँ पे आके इसको अपने पेस्ट कर देना है। अब ये जो मेन कुछ यहाँ पे होती हैं, ठीक है, तो आप उन्हें कुछ इस तरह से सब हेडिंग बना सकते हैं, ताकि जो आपका ये आर्टिकल है, ठीक है, वो एक अच्छा लुक दे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपने ये बना लेना है। जैसे कि ये देखेंगे दो तीन हैं, बाकी भी आपने ये सारी सारी जो है बना लेनी है। और उसके बाद अब आपने यहाँ पे एक दो पिक्चर भी लगा लेनी है, जो कि जिस भी टाइप का आपका है मतलब आर्टिकल, आप वही सर्च करेंगे गूगल पे, ठीक है। मैं जैसे कि ये यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। अब अगर हम इमेजेस में आएंगे तो यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाती हैं। अब जो भी आपको लगानी है आप क्या कर सकते हैं, सिंपल उसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप कॉपी करें और आप पेस्ट कर दें, सिंपल ये इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कोड्स लगाने हैं, और उससे पहले आपने इस वेबसाइट को या जो भी आपने पेज बनाया है उसको एड्स टेरा से अप्रूव भी करना होता है, ये आपको पता भी होगा। अब मैं क्या करता हूँ, व्यू ब्लॉक करता हूँ, तो ये हमें एक डोमेन मिला हुआ है। हम क्या करेंगे, और ये हमारा एक आर्टिकल भी आ चुका है। आपने एड्स टेरा पे आके ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट का लिंक देके यहाँ पे आप सोशल करेंगे, और बैनर करके आप ऐड के ऊपर करेंगे क्लिक, ठीक है। ये जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अप्रूवल के लिए वेबसाइट चली जाती है। कुछ टाइम के बाद अप्रूवल मिल जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं एड्स। अब ये एड्स आपने लगाने, अब आपने क्या करना है जी, वेबसाइट्स पे आने। जैसे कि मेरे पास ये एक वेबसाइट ओपन है और इसमें मेरा इतना बैलेंस पड़ा है, ठीक है। और लोग भी आपको बता रहे हैं कि आप लोग इस तरह के वेबसाइट्स पे एड्स रन कर सकते हैं, वो आप लोगों को एक एक बता रहे हैं। कोई आपको ये वेबसाइट बता रहा है, जैसे कि ये वेबसाइट है, ठीक है, ज़्यादातर लोग आजकल यही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं तकरीबन 7-8 साल पुरानी ये वेबसाइट्स हैं, और इन जैसी वेबसाइट्स बहुत सारी और हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपने इसी को यूज़ करने से, अच्छे अच्छे वेबसाइट्स आपके पास हैं। जैसे कि वो कहाँ से लेनी है, फास्टैग का अकाउंट आपका होना चाहिए। अगर आपका नहीं है
तो आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे, आपको इसी चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगी कि आपने ये फास्ट पे अकाउंट कैसे बनाना है और इससे कैसे अर्निंग करनी है, वो भी गाइड किया हुआ है। अगर डैशबोर्ड पे आप आते हैं तो यहाँ पे देखें कि मेरा इतना कुछ बैलेंस शो हो रहा है, मैंने बहुत बार इससे विड्रॉवल भी लिया, आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। अब बात है हमारी कि आज के वो वेबसाइट्स फाइंड कैसे करनी है। आप अर्न में आएंगे, फास्ट लिस्ट में आएंगे और यहाँ पर आपको इस तरह की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जैसे कि आजकल वही वेबसाइट ये थर्ड नंबर पर आ रही है, इसके बाद उसी की तरह ये वेबसाइट है, ठीक है, ये आप चेक करें, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये एक वेबसाइट है, ये जितनी वेबसाइट्स हैं सेम इनके जो काम है वो सेम है और इनके टेम्पलेट्स भी मिलते जुलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, इसको छोड़ देते हैं हम, जहाँ पे ये जो मैंने अभी ओपन करके दिखाई हुई वो है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करें, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये देखें, इस वेबसाइट पे आप अकाउंट बना सकते हैं और बहुत सारी है। मतलब अगर आप खुद अच्छे अच्छी वेबसाइट्स फाइंड करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं इससे कर सकते हैं, और फिर एडसेंस से ही अर्निंग करनी है तो वो फिर यहीं से आप वेबसाइट्स फाइंड करके वहाँ पे अर्निंग करके, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अर्निंग करके आपने क्या करना है कि उसको फिर आपने एडसेंस पर ट्रैफिक के लिए यूज़ करना है, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट्स से आपको ये पता चल गया होगा। अब हम जाते हैं यहाँ पे और हमारी जो डोमेन है अप्रूव होगी, ठीक है, ये आप चेक करें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी भी यहाँ पे कुछ टाइम ले रही है। अच्छा, जब ये डोमेन अप्रूव हो जाती है फिर आपने किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है और हर वेबसाइट में आपको एडवर्टाइज़ का ऑप्शन मिलेगा और एड्स का ऑप्शन मिलेगा। आपने मैनेज एड में जाना होगा, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना होगा और टाइटल देना है। अब जैसा कि यहाँ पे आपने अर्न क्रिप्टो आप लिख सकते हैं, या अगर आप किसी भी एक क्वाइन को या करेंसी को टारगेट करना चाहते हैं तो वो आप टाइप कर सकते हैं कि आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ होती है कि 5 सेकंड वॉच किया जाए या 10 सेकंड, इतने इतने स्टोशीज लगते हैं, जैसे कि मेरे पास वहाँ पे आप लोगों ने देखे कुछ 200 कुछ पड़े हैं। अब यहाँ पे ये कॉस्ट पर क्लिक भी आ रहा है, क्लिक करता है तो वो सारा कुछ है। अब यहाँ पे आपने लिंक देने हैं, ठीक है, लिंक कौन सा देना है, यहाँ पे एक तो ये अप्रूव हो जाए, मैं आपको बताता हूँ कि एड्स कैसे लगाने हैं और उसके बाद फिर दिखाता हूँ कि आपने वो लिंक कैसे देने। ये देखें, ये एक ऐड हमें मिल चुका है, आप और भी ऐड बना सकते हैं, गेट कोड के ऊपर करें क्लिक, ये हो गया। अब आप आएंगे पोस्ट में, आने के बाद यहाँ पे आपने ये एचटीएमएल व्यू में आने और इसके स्टार्ट में आपने दे देना है, ये मैं ऐड दे देता हूँ 2 दफ़ा। इसके बाद आपने एंड पे भी आके 2 दफ़ा दे देने हैं और आप मिड में भी दे सकते हैं, इस तरह से आपने अपडेट कर लेना, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसी पोस्ट का ही दे सकते हैं लिंक, ठीक है, इसको शॉर्ट आपने लाजमी करना है, मैं नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, बस यहाँ पे लिंक दे के आपने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना होता है, ठीक हो गया, ओके। यहाँ पे आप टाइमर वगैरह सारा कुछ सेट करके जो है इसको आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे एक ऐड रन हो जाएगा, ठीक है। और ऐड आपका कैसे शो होगा, अगर मैं सर्फ ऐड्स में आता हूँ तो इस तरह से आपका भी ऐड शो होगा, ये भी लोगों ने, अब अदर जितनी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उन कंपनीज ने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ठीक है, आपका भी ऐड कुछ इस तरह से जाएगा, फिर लोग इस तरह से क्लिक करेंगे, एक वेबसाइट इस तरह से आएगी, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, ये एक टाइमर यहाँ पे चल रहा है कि इतने सेकंड बाकी वो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग ये काम कर सकते हैं और आप लोग अपने एड्स तरह के एड्स पर जो है वो क्लिक्स ले आ सकते हैं और आप लोग इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो वेबसाइट्स हैं इन पर काम करते हैं, ये देखें, मैं विड्रा करता हूँ यहाँ पे, ये जितने भी मेरी क्वाइन पड़े हैं, कितने पड़े हैं, 231 पड़े हैं, मैं 230 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है, ये फास्ट पे है और ये सबमिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, पेमेंट हैज़ बिन सेंट बता रहा है, फास्ट पे में आएंगे, यहाँ पे हम डैशबोर्ड में आते हैं और पेमेंट देखते हैं जी, ये देखें जी, BTC एड्स पे जिस पे मैं कभी अभी काम कर रहा था, 230 मैंने विड्रॉवल लिया और मुझे रिसीव भी हो गया। तो मतलब इस तरह से आप उन वेबसाइट से भी अर्निंग कर सकते हैं, आप लोग एड्स तरह से भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा अर्निंग करें तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि आप यूट्यूब पे सर्च करें, ठीक है, मार मुजम्मिल जैसे आप सर्च करेंगे आपको ये चैनल मिल जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं एयर ड्रॉप्स देता हूँ और आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुदा हाफिज़।